बादलों में जादुई दो सैंडल घर। झुंझुनपुर गांव में काव्या अपनी माँ गोमती के साथ रहते थे। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी गोमती के ऊपर ही थी। घर चलाने के लिए गोमती ने अपने घर पर ही सैंडल बनाने का काम शुरू कर दिया। गोमती बहुत अच्छा सैंडल बनाती थी, लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी जिससे वो शहर जाकर उस सैंडलों को अच्छे दामों में बेच पाए। वो घर पर ही लोगों के बहुत ही कम दामों में सैंडल बना दिया करती थी और उसी से किसी तरह उसके घर का गुजारा चलता था। काव्या अभी स्कूल में पढ़ रही थी। काव्या पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपने क्लास में फर्स्ट आती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक गोमती की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो सैंडल बना रहे थे। ये देखकर काव्या बोली, माँ आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो अब बहुत काम हुआ, अब आप घर में जाकर आराम करो। नहीं बेटी, मुझे ये सैंडल आज ही तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बस ये तो सर्दी जुखाम है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो भरनी है, तुम तो जानती ही हो ये सैंडल बनाना ही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है। ये कहते हुए गोमती जोर जोर से खांसने लगी। माँ आपकी तबीयत तो ज्यादा खराब है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपसे थोड़ी बहुत सैंडल बनानी सीखी है, अब आप जाकर आराम करिए, बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी आए। माँ अभी परीक्षा शुरू होने में काफी समय है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी साथ में और काम भी। मेरी प्यारी माँ अब आप टेंशन मत लो। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। बेटी कल सेठानी की बेटी का जन्मदिन है, उन्हें सुंदर सा सैंडल बनाकर आज ही देना है, क्या तुम बना पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, आप बस आराम करो, समझ लो सैंडल बन गया, बाकी कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। गोमती दवाई खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चली जाती है। काव्या लगन से सैंडल बनाने लगती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद काव्या ने एक बहुत ही सुंदर सैंडल बनाकर तैयार कर ली। जब शाम को सेठानी अपनी बेटी का सैंडल लेने आई, अरे वाह कितना सुंदर सैंडल बना है। काव्या तुम्हारी माँ के हाथ में तो जादू है जादू, मैंने इतना सुंदर सैंडल तो सिर्फ शहर के बड़े बड़े मॉल में ही देखी है। अरे नहीं सेठानी जी, ये सैंडल मैंने नहीं बनाया है, बल्कि मेरी प्यारी बिटिया काव्या ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत ही अच्छा सैंडल बनाया है, ये लो सैंडल के पैसे। ये बोलकर सेठानी चली गई। लेकिन उसी दिन से काव्या द्वारा बनाए हुए सैंडलों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव की सभी लड़कियां अब काव्या से ही अपने सैंडल बनाने लगी। काव्या अब दिन में स्कूल जाया करती और देर रात सुंदर सुंदर सैंडल बनाती। सैंडल बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते काव्या उसे माँ की दवाई लाती, लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन गोमती अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ सुंदर सुंदर सैंडल भी बनाती हो, और जो भी पैसे कमाती हो वो मेरी दवाई में खर्च कर देती हो, लेकिन बेटी अब मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। माँ मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो, आखिर आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। आप चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी आपको शहर के अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची मेरा अंत समय आ गया है, अब तुम अपना ख्याल रखना, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। इतना कहकर गोमती हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाती है। ये देखकर काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। माँ पहले पिताजी चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूँगी, माँ वापस आ जाओ। ये कहते हुए काव्या रो रही थी, लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सका है भला, वो तो होकर रहता है।
माँ के गुजर जाने के बाद काव्या बिल्कुल अकेली ही हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद काव्या पहले की तरह ही स्कूल जाने लगी। जब काव्या क्लास में पहुंची तो उसे पता चला परीक्षा शुरू होने से पहले सभी बच्चों को फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर काव्या सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। वो ये सोच रही थी तभी वृंदा नाम की एक धनवान औरत उसके घर आई और बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम वृंदा है। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए सैंडलों की खूब चर्चा सुनी है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर सैंडल बनाती हो। शहर में मेरे सैंडल की बहुत बड़ी शोरूम है। क्या तुम मेरे लिए सैंडल बनाओगी? पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें मैं बहुत अच्छी कीमत दूंगी। ऐसा करो, तुम मुझे अभी एक हफ्तों में 100 सैंडल तैयार करके दे दो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको इतने अच्छे सैंडल बनाकर दूंगी कि आपके दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। गुड, अब मैं चलती हूँ, एक हफ्ते होने के बाद पेमेंट के साथ सैंडल लेने आऊंगी। काव्या बहुत खुश हो जाती है। मेरा एग्जाम भी एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्जाम दे पाऊंगी। काव्या दिन रात मेहनत करके 100 सैंडल तैयार करती है। काव्या बहुत ही खुश थी। आज वृंदा मैडम तो मेरे सैंडल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देंगी। लेकिन बदकिस्मती से काव्या जब कुछ काम से घर से बाहर जाती है तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग जाती है और सारा सैंडल जलकर राख हो जाता है। जब काव्या लौटकर वापस आई तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे घर में आग कैसे लग गई? इतनी मेहनत से बनाए मेरे सारे सैंडल जल गए, अब मैं वृंदा मैडम को क्या जवाब दूंगी? उसी दिन वृंदा काव्या से अपने दिए ऑर्डर लेने आई। काव्या ने रोते हुए वृंदा मैडम को सारी बात बताई, लेकिन वृंदा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वाह, क्या अच्छा बहाना है, देखो तुमने मुझसे वादा किया था, अब मुझे कहीं से भी सैंडल बना कर दो। अगर तुमने मुझे सैंडल आकर नहीं दिया फिर मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे एडवांस भी ले चुकी हूँ। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना लाखों का नुकसान नहीं सह सकती। तुम मुझे अभी 100 सैंडल बना कर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मुझसे चालाकी करने की तो सोचना भी मत। चलो, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देती हूँ, 2 दिन के अंदर सैंडल बन जाना चाहिए, समझ गई तुम? भोली भाली काव्या वृंदा की बातों से डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने सारे सैंडल बनाकर कहां से देगी। यही सब सोचते सोचते काव्या नदी के किनारे पहुंच गई। वहां उसे सोने की सीढ़ी दिखाई दी जो बादलों में जा रहे थे। अरे, ये सीढ़ियां यहां कहां से आ गई? कल तक तो यहां कोई सीढ़ी नहीं थी। काव्या उन सीढ़ियों पर चढ़ गई, तभी वो बादलों में पहुंच गई। वहां उसे 2 सैंडल का घर दिखाई दिया जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले सैंडल घर में से आवाज आई, काव्या तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। काव्या, तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितने की तुम्हारी जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ घर ले जा सकती हो। काव्या ने कुछ देर सोच कर कहा, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं, इसलिए मैं दूसरे जादुई सैंडल के घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद काव्या जैसे ही उस जादुई सैंडल के घर में गई, उसे घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना, चांदी और खूब सारे सैंडल दिखाई दिए। ये सब देख काव्या हैरानी से बोली, जादुई सैंडल घर? आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। काव्या, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ,
इसलिए तुम जो भी कुछ यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई सैंडल के घर की बात सुनकर काव्या बहुत खुश हुई और जादुई सैंडल के घर का धन्यवाद करके सुंदर सुंदर सैंडल और पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौट गई और वृंदा को उसके पूरे 100 सैंडल दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा कर परीक्षा में बैठ गई और इस बार भी वो अपने स्कूल में टॉप की। काव्या ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से अपना एक सैंडलों का शोरूम खोला और खुशी खुशी रहने लगी। राजकुमारी का फ्रॉक और चूड़ियाँ। वैशाली राज्य के राजकुमारी अमरपाली दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर के राज्यों में भी थी। लोग वैशाली को बस देखने मात्र मीलों दूर से आया करते थे। लेकिन अमरपाली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कोई भी उसकी तारीफ सिर्फ खूबसूरत चेहरे से नहीं बल्कि उसके गुणों और व्यवहार से करे। अम्रपाली बेटा उठ गई, जल्दी से तैयार होकर सभा में आ जाओ। क्यों माँ, कोई खास बात है क्या? हाँ, आज हम सभा में तुम्हारे विवाह की घोषणा करने जा रहे हैं, वो भी दुनिया के सबसे बड़े महाराज सूरजभान के पुत्र दिलजीत सिंह के साथ। क्या विवाह, वो भी ऐसे इंसान से जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं? माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? माँ, प्रेम और विवाह खूबसूरती से नहीं होता, ये तो दिल से होता है। और मैं उस इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मुझसे बिना मिले बिना मुझे जाने बस मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे विवाह करना चाहता है? मेरे पास तुम्हारे ये फालतू के तर्क वितर्क सुनने का वक्त नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारा विवाह दिलजीत सिंह से होगा तो होकर रहेगा। अमरपाली के दिमाग में विवाह से बचने के लिए एक तरकीब सोचती है। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे ऐसा फ्रॉक चाहिए जो जंगल के हजार चीजों की बनी हो, वो भी बिना किसी पशु पक्षी पेड़ पौधों को हानि पहुंचाए हुए। अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। महारानी ने राज के सबसे गुणवान पोशाक बुनकरों को बुलाया और अपने सबसे होशियार सैनिकों को लगा दिया कि वो सामान इकट्ठा करने में बुनकरों की मदद करे। इधर अम्रपाली को लगा कि उसने किसी असंभव से चीज की मांग की, इसलिए अब उसे दिलजीत सिंह से शादी नहीं करनी होगी। लेकिन इसे आप जादू कहे या चमत्कार, बुनकर फ्रॉक बनाने में कामयाब हो गए और फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। फ्रॉक जंगल के सूखे पत्ते, पशु पक्षियों के पंख, इन्हीं सभी चीजों से बने थे। अमरपाली, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है, अब तुम्हारा विवाह दिलजीत सिंह से होगा। पर माँ, मैं उस इंसान से कैसे विवाह कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं? बहुत हुआ, तुमने वादा किया था, अगर तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल है तो तुम्हें ये शादी करनी होगी, वो भी कल ही। इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है। इधर अमरपाली बहुत परेशान हो जाती है। वो किसी भी हालत में ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वो जानती नहीं। उसने महल से दूर चले जाने का फैसला कर लिया। मुझे माफ कर देना माँ, एक ना एक दिन तो आप मुझे जरूर समझेंगी। इतना बोलकर राजकुमारी उसी फ्रॉक को पहनकर अपने राज्य से निकल जाती है। चूंकि वो फ्रॉक राजकुमारी की सुंदरता को पूरी तरीके से ढक देता है और वो बदसूरत दिखने लगती है। राजकुमारी अपने राज्य से निकलकर कई राज्यों और जंगलों में घूमती रही। एक दिन राजकुमारी थककर एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी उधर से उसी राज्य के राजा अपने सैनिकों के साथ जा रहे होते हैं। तभी सैनिक की नजर अमरपाली पर जाती है। महाराजा, इस लड़की को देखो, इसने कितने विचित्र फ्रॉक पहन रखे हैं। इतने घने जंगल में इस लड़की का यहाँ पर अकेला रहना ठीक नहीं। ठीक है सैनिक, उस लड़की को महल में ले आओ। सैनिक अमरपाली के पास जाकर उसे उठाता है। कौन हो तुम,
और जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक लड़की हूँ और मेरा कोई घर बार नहीं है, जिस वजह से मैं जंगल में रह रही हूँ। हमारे साथ महल में चलो, वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। और फिर अमरपाली सिपाहियों के साथ महल में आ जाती है, जहाँ उसे रहने के लिए छोटा सा कमरा दिया गया और वो वहीं रसोई के नौकरानी के रूप में काम करने लगी। अमरपाली को रसोई में काम करते हुए कई महीने बीत गए। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक दावत का आयोजन किया। सारी तैयारी हो जाने के बाद दावत शुरू हुई। अमरपाली ने रसोइयों से पूछा, श्रीमान, सारी तैयारी हो चुकी है, क्या मैं सभा में जाकर नृत्य देख सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ किसी को कोई शक नहीं होगा। ठीक है, पर तुम आधे घंटे में वापस आ जाना रसोई की राख साफ करने के लिए। धन्यवाद श्रीमान, मैं जल्दी आऊंगी। अमरपाली अपने कमरे में गई और उसने अपने वो बदसूरत फ्रॉक उतारे और अपने चेहरे और हाथों से कालिक पोंछकर तैयार होकर सभा में चली गई। जैसे ही वो सभा में गई, हर कोई उसके सुंदरता को देखकर अचंभित हुआ। राजा ने इस महासुंदरी को देखते ही उसे नृत्य करने को कहा। अमरपाली ने राजा के साथ नृत्य किया। जब आधा घंटा बीत गया, अब मुझे जाना होगा महाराज। पर क्यों? रुक जाओ अभी। लेकिन अमरपाली वहाँ से गायब हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे में आकर अपना पुराना जंगली फ्रॉक पहन ली और वापस से बदसूरत बनकर रसोई में काम करने चली गई। मैं वापस आ गई हूँ श्रीमान, मैं अब रसोई के राख साफ कर देती हूँ। नहीं, अभी रुक जाओ, पहले तुम राजा के लिए सूप बना दो। ठीक है श्रीमान। राजकुमारी ने राजा के लिए सूप बनाया और उस प्याली में सूप के साथ अपनी सोने की चूड़ी भी डाल दी। राजा ने जैसे ही वो सूप पिया, वो बहुत ही खुश हो गया। उसने आज तक इतने स्वादिष्ट सूप नहीं पिया था। उसने रसोइयों को बुलाया। क्या आज तुमने सूप बनाया था? नहीं महाराज, माफ करे, आज सूप रसोई की नौकरानी ने बनाया है, उसे तुरंत बुलाया जाए। क्या यह सूप तुमने बनाया है? हाँ महाराज। बहुत खूब, क्या यह चूड़ी तुम्हारी है? मुझ जैसे गरीब नौकरानी के पास इतनी कीमती चूड़ियाँ कैसे आ सकती है महाराज? यह चूड़ी उस लड़की की याद दिला रही है जो कल रात सभा में मेरे साथ नृत्य कर रही थी, पर यह रसोई में कैसे आई? खैर, सूप बहुत ही स्वादिष्ट था, धन्यवाद। अब से मेरे लिए तुम ही खाना बनाओगी। अमरपाली उस दिन के बाद से राजा के लिए नित्य खाना बनाने लगी। अमरपाली के हाथों में जैसे जादू था। उसके द्वारा बनाए गए हर पकवान बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन राजा ने अमरपाली से कहा, अमरपाली, मैं तुम्हारे गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं एक गरीब बदसूरत नौकरानी हूँ और आप इतने बड़े राजा, ये असंभव है। जहाँ प्यार होता है वहाँ खूबसूरती अपने आप नजर आने लगती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक नौकरानी हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अमरपाली समझ जाती है कि उसका सच्चा जीवन साथी यही है, जो उसे बिना जाने बिना किसी खूबसूरती के बस उसकी कला को देखकर उससे प्रेम करता है। अमरपाली खुशी से विवाह के लिए हाँ कह देती है और राजा फिर इसी खुशी में दावत का आयोजन करता है। अमरपाली फिर अपने जंगली वस्त्र उतारकर अपने असली रूप में आकर सभा में जाती है और राजा के साथ नृत्य करने लगती है। राजा को आभास हो जाता है कि हो ना हो, इस लड़की और उस नौकरानी में कोई ना कोई समानता तो जरूर है। राजा चुपके से उस लड़की के हाथ में वही चूड़ी पहना देता है। अमरपाली को ये पता नहीं चलता और वो वापस अपने कमरे में आने के बाद चूड़ी उतारना भूल जाती है। दावत खत्म होने के बाद राजा अमरपाली को बुलाते हैं और उससे उसका हाथ दिखाने को कहते हैं। यह तो वही चूड़ियां हैं जो मुझे सूप में मिली थी और यह चूड़ी मैं तो अपने हाथों से उस सुंदरी के हाथों में पहनाया था जो रात में मेरे साथ नृत्य कर रही थी, फिर यह तुम्हारे हाथों में कैसे आया?
ये सुनकर अमरपाली राजा को सारी बातें बताती है। महाराज, मैं वैशाली राज की राजकुमारी अमरपाली हूँ। दरअसल मुझे ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो मुझे मेरे रूप से नहीं बल्कि मेरे गुणों से मुझे चाहे, और आपने ऐसा ही किया। आपने सुंदरी और नौकरानी में नौकरानी को चुना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम एक नौकरानी हो। आखिरकार राजकुमारी को अपना सच्चा जीवन साथी मिल ही गया। उसने राजा से विवाह किया। विवाह में उसकी माँ को भी आमंत्रित किया गया और फिर राजा और राजकुमारी अमरपाली राजी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। नदी में जादुई आम का पेड़। बनारस शहर के छोटे से गांव में महक नाम की एक लड़की रहती थी। आम का सीजन चल रहा था तो महक की माँ महक को आम लेकर खाने को देती है। महक आम को लेकर अपने घर के बाहर खा रही होती है तभी मंजू वहाँ आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। महक, तुम ये आम कहाँ से लाई हो? बहुत अच्छे आम है, लाल लाल। इसको देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मुझे भी एक आम दे दो ना खाने के लिए। ना बाबा ना, मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। ये आम मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दूर से लेके आई है, और ये आम कोई ऐसा वैसा आम नहीं है। ये बनारस का सबसे फेमस आम है। तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता इसके बारे में। जाओ यहाँ से। प्लीज यार महक, दे दो ना थोड़ा, आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। हद है, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये आम बहुत महंगे हैं और ऐसे महंगे आम को खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, समझी? अच्छा, मुझे एक टुकड़ा ही दे दो प्लीज। नो नो नो, बस तुम देखकर ही तसल्ली करो, खाने को तो मिलेगा नहीं तुम्हें। महक प्लीज यार, टुकड़ा ना सही, गुठली ही दे दो प्लीज। मंजू के लाख मिन्नत करने पर भी महक उसे आम नहीं देती है और गुठली भी दूर नाली में फेंक देती है और मंजू को डांटकर भगा देती है। मंजू घर जाकर उदास सो जाती है। मंजू को यूं उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, मंजू बेटा इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी फ्रेंड है ना महक, वो आम खा रही थी। मैंने मांगा तो मुझे नहीं दी और डांटकर भगा दी, और तो और गुठली भी दूर फेंक दी माँ। मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की आम खाने की ये लालसा को देख उसकी माँ बोलती है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया रानी उदास है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आम खिलाकर लाती हूँ। उसकी माँ मंजू को नाव में बिठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ, मैंने तो आम मांगा था और तुम मुझे नदी में ले आई। अच्छा, अब समझ गई। हम सुबह से शाम तक नदी में मछली पकड़ेंगे और फिर उसे बाजार में बेचकर आम खरीदेंगे, है ना माँ? नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी। इस नदी में एक जादुई पेड़ है, अगर तेरी किस्मत हुई तो आज वो पेड़ हमें जरूर दिखेगी। नदी के बीचों बीच पहुँचने पर मंजू को पके पके मीठे आमों से लदे एक पेड़ दिखाई देता है। माँ, ओहो, ये कितने सारे आम हैं। माँ, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। मैं तो इसके सारे आम तोड़ लूंगी और घर ले जाऊंगी। मैंने कहा था ना, ये जादुई आम का पेड़ है, इसमें से हम सिर्फ एक ही आम तोड़ सकते हैं। पर क्यों माँ, इसमें तो इतने सारे आम हैं, फिर एक आम क्यों? हम इसे सारे आम तोड़ लेंगे और गांव ले जाकर इसे बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। नहीं बेटी, लालच में मत पड़ो, बस एक आम तोड़ लो। अब जल्दी, मैं यहीं बैठी रहूं, धूप भी तेज है। और उसकी माँ वहीं सो जाती है। लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है, इस जादुई पेड़ से बस एक आम तोड़ने को बोल रही है। इसमें तो इतने सारे आम हैं, जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं तो बहुत सारे आम ही तोड़ूंगी, चाहे जो हो, एक से क्या होगा। इतना बोलकर मंजू पेड़ से सारे आम तोड़कर नाव में भर लेती है। आम का भार नाव सह नहीं पाया और वो अचानक डूबने लगता है। ये देखकर मंजू डर गई और अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ उठो, माँ उठो, माँ ये देखो हमारी नाव डूब रही है।
नाव को आम से भरा देख उसकी माँ बोली, ये क्या की बेटी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, बस एक आम तोड़ने को कहा था। अब देखो तुम्हारी लालच के वजह से हम अब डूब रहे हैं। कुछ तो करो माँ, वरना हम डूब जाएंगे। मंजू, मेरे तो हाथ पाँव भी नहीं काम कर रहे हैं, मैं क्या करूं? हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद करो। प्लीज हमारी कोई मदद करो, बचा लो हमें, हे भगवान बचा लो। तभी उनके रोने की आवाज़ सुनकर हेलिनी डायन आती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। फिर मंजू की माँ सारी बातें उस डायन को बताती है और मदद करने की गुजारिश करती है। डायन को उस पे दया आ जाती है और वो बोलती है, मैं तुम लोगों की मदद तो कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे पानी में बहुत भूख लगती है, अगर मैं पानी में आई तो तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ खाने को देना होगा, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। हाँ हमें मंजूर है, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना आम खिला सकती हूँ। मैं यहाँ से एक एक आम फेंकती जाऊंगी और तुम खाते रहना। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नाव को किनारे पहुँचा दूंगी, बस खाने को देती रहना। फिर डायन नाव को अपने पीठ पर उठा लेती है और तैरने लगती है। मंजू ऊपर से एक एक करके डायन के मुंह में आम फेंकती रहती है और डायन दोनों को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है। लेकिन किनारे तक पहुंचते पहुंचते नाव में रखा सारा आम खत्म हो जाता है, बस लास्ट का एक आम ही बचता है। थैंक यू डायन जी, आज आप न होते तो शायद हमारी जान नहीं बचती। मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, ना मैं लालच करती और ना ही नाव डूबता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम चिंता मत करो मंजू, इस एक आम में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है, अब तुम जाओ। घर जाकर मंजू ने जैसे ही आम काटा वैसे ही आम में से सोना चांदी ढेरों रुपए और आम के ढेर लग जाती है। माँ ये क्या, इस आम से तो ढेरों सोना चांदी रुपए और तो और आमों की भी ढेर लग गई। अरे वाह माँ, ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है बेटी। अच्छा मंजू ये बताओ, अब इतने सारे सोने चांदी और आमों का करोगी क्या? अच्छा माँ मैं अब समझ गई हूँ, लालच नहीं करनी चाहिए। अगर मैं लालच करूँगी तो मेरे पास जो कुछ भी है वो नहीं बचेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं इन सब चीजों को गरीबों में बांटूंगी और सबकी मदद करूंगी। शाबाश मेरी बेटी। इस तरह मंजू ने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया और फिर गांव में जरूरतमंद लोगों की भी मदद की और फिर उस आम को भी पूरे गांव में बांटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। समयपुर के एक छोटे से गांव में महिमा अपनी बेटी श्वेता के साथ रहती थी। महिमा अपनी बेटी श्वेता से बहुत प्यार करती थी। श्वेता के पिता सुरेश के गुजर जाने के बाद महिमा ने कभी श्वेता को उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो श्वेता की हर ख्वाहिशें पूरी करती थी। महिमा हमेशा से अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहती थी, जिस वजह से महिमा ने श्वेता का दाखिला गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर के महंगे और अच्छे कॉलेज में करवाया था। महिमा एक दर्जी थी। महिमा सिलाई करके अपना घर खर्चा चलाती थी और सिलाई करके वो 4 पैसे इकट्ठे करती थी। एक बार की बात है, कॉलेज की छुट्टी पर श्वेता घर आई थी। माँ मैं आ गई। माँ कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैं तो आपसे मिल भी नहीं पाती, घर में आने का बहुत मन होता है पर रोजाना इतनी दूर आने से मेरा टाइम भी बर्बाद होगा, इसलिए मैं आज छुट्टी के दिन आ गई। सही किया बेटा तूने, मैं भी तुझे बहुत याद करती हूँ, इतने दिनों तक दूर रहती है, मुझे तो तेरे खाने पीने की चिंता लगी रहती है। माँ अगले महीने से मेरा एग्जाम है तो मैं वही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूंगी, अब एग्जाम के बाद ही घर आऊंगी, आप अपना ध्यान रखना। और हाँ मेरे कपड़े भी पुराने हो चुके हैं तो कुछ कपड़े सिलकर भिजवा देना माँ। चिंता मत करो बेटी, मैं भिजवा दूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। एक दिन की छुट्टी की वजह से श्वेता अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं कर पाती और सुबह जल्दी उठकर उसको अपने कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है।
श्वेता के जाने के बाद महिमा अपने सिलाई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन श्वेता इस बार अपनी माँ से मिलने घर नहीं आती। महिमा को श्वेता की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने कॉलेज में चली गई। श्वेता अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के रूम में बैठी थी। अपनी माँ को अपने पास आता देख वो जल्दी से उठकर अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ आप यहाँ क्यों आ गई? अच्छा मैं समझ गई, आप मुझे कपड़े देने आई हो ना माँ। मैं आपसे यहाँ सबके सामने कपड़े नहीं ले सकती, आप मेरे रूम में चलो। पर क्यों बेटा, मैं भी तो देखूं आखिर मेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है और उसके दोस्त लोग कैसे हैं। तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, ये तुम्हारे कपड़े ही तो है। माँ आप मुझे कपड़े देने आई थी ना, मुझे कपड़े दे दो। लेकिन आप मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो। आपने देखा ना माँ, सभी बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड से है और सबके मॉम डैड अच्छे बिजनेस करते हैं। आप सबके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़े में आ गई, फिर सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। देखो आप मेरी बातों का बुरा मत मानो, अभी आप यहाँ से चली जाओ, मेरी छुट्टी होते ही मैं आपसे मिलने घर आती हूँ। ये सुनकर महिमा उदास मन से घर लौट जाती है। उधर श्वेता के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, अरे श्वेता ये आंटी कौन थी और तुम उनसे क्या बातें कर रही थी? वो तो दिखने में काफी गरीब लग रही थी, तुम्हारी माँ थी क्या? अरे वो तो कोई नहीं थी। अरे वो आंटी गलती से इधर आ गई थी बेचारी, तो मैं उन्हें कॉलेज के कैंटीन का पता बता रही थी। सो सैड यार, मुझे तो वो बहुत परेशान लग रही थी, लगता है उनका बच्चा इसी कॉलेज में पढ़ता होगा, तभी वो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। अच्छा श्वेता मैं चलती हूँ, आज मेरी मॉम मॉल से मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और ड्रेसेस लेकर आई होंगी क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था। मैं जा रही हूँ, बाय बाय मोनिका, बाय श्वेता। इधर महिमा घर आकर अपने पति के तस्वीर के सामने खूब रोती है। देख रही हो आप श्वेता के पिताजी, आपकी लड़की को अपने दोस्तों के सामने मुझे माँ कहने में शर्म आ रही थी। अगर आप जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। श्वेता अपने अमीर दोस्तों के बीच में अपनी गरीबी का इजहार करना पसंद नहीं करती थी, इस वजह से वो हमेशा ही अपने घर की गरीबी छुपाती रहती थी। अगले दिन कॉलेज में मोनिका श्वेता से कहती है, श्वेता मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सबको मेरी शादी के सारे फंक्शन अटेंड करने आना होगा। जरूर जरूर, हम जरूर अटेंड करेंगे, आखिर हमारे बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है। ठीक है, कल हल्दी है, परसों मेहंदी और फिर शादी। और हाँ, मेरी सारी सहेलियों को मेरे तीनों फंक्शन में तीन अलग अलग ड्रेस पहन कर आना है, हल्दी पर पीला, मेहंदी पर हरा और शादी में लाल। मंजूर है ना सबको? सभी सहेलियां हाँ में सर हिलाती हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद श्वेता ड्रेस को लेकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद श्वेता परेशान होकर घर में इधर से उधर चल रही थी। उसे देखकर उसकी माँ बोली, अरे वाह मेरी गुड़िया आ गई, क्या हुआ बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, जब से तुम घर आई हो तब से तुम परेशान सी हो, ना तुमने अपनी माँ से हालचाल पूछा ना कुछ, बताओ मुझे क्या हुआ है? माँ मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अरे क्या बेटी, ये बात तू अभी तक अपने मन में लेकर बैठी है और इस बात से तू इतनी परेशान है? माँ बात तो एक और है, मेरी सहेली मोनिका आप उसको जानती हो ना, जो उस दिन मेरे साथ बैठी थी, उसकी शादी है और उसने हम सब दोस्तों को 3 दिन बुलाया है, 3 अलग अलग रंग के ड्रेस पहनकर हम सबको वहाँ जाना होगा। लेकिन 3 तो क्या, मेरे पास तो एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मेरी माँ तो मुझे एक ड्रेस तक बाहर मार्केट से नहीं दिला सकती और बाकी सबकी माँ शहर से ड्रेस दिलवाती है, मुझे सबके बीच में बैठने में भी शर्म आएगी। अपनी बेटी की कड़वी बातें सुनकर महिमा को बहुत ही बुरा लगता है। अरे बेटा अब परेशान क्यों होती है, ये 3 ड्रेस तो मैं तुझे एक दिन में ही बना कर दे दूंगी, और रही बात मार्केट से दिलाने की, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं तुम्हें मार्केट से ड्रेस दिला पाऊँ, और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे घर में तुम्हारा पर्सनल दर्जी बैठा है। माँ मुझे बाकी दोस्तों के साथ मेकअप खरीदने भी जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो और आप मेरी ड्रेस कल तक तैयार कर देना क्योंकि परसों से मोनिका के यहाँ पर इवेंट्स होने लगेंगे। हाँ बेटा ये लो 200 रुपए। इतना कहकर महिमा अपनी बेटी को 200 रुपए दे देती है। महिमा परेशान हो जाती है, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी की ड्रेस के लिए कपड़ा लाकर खुद ही ड्रेस सिल दे, और जो पैसे थे वो उसने अपनी बेटी को दे दिए थे। वो अपने पति के फोटो के सामने बैठकर बोलती है, क्या करूं जी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं आपकी बेटी के लिए 3 अलग अलग ड्रेस ले आऊं, जो पैसे थे वो मैंने श्वेता को दे दिए, अब मेरे पास कपड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं कैसे उसकी ड्रेस बनाकर तैयार करूंगी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए।
इतना बोलने के बाद महिमा वहीं बैठकर रोने लगती है और मन ही मन बहुत सारी चीज सोचने लगती है कि तभी उसके पति की फोटो से आवाज आती है। भाग्यवान मेरी जान महिमा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल के अंत में एक जादुई नदी है, तुम वहाँ से ड्रेस लाकर हमारी बेटी को दे दो। महिमा अपने पति की बातें ध्यान से सुनती है और अपने पति की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। जंगल के अंत में पहुंचते ही उसे एक नदी दिखाई देती है। महिमा जादुई नदी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस जादुई नदी से 3 ड्रेस मांगती है। हे जादुई नदी, मुझे तुम्हारे बारे में मेरे पति ने बताया है। अगर तुम सच में जादुई नदी हो तो मुझे मेरी बेटी के लिए 3 ड्रेस दे दो, एक पीली, एक हरी और एक लाल। महिमा के इतना कहते ही जादुई नदी में से 3 ड्रेस निकलती है, जो दिखने में बहुत सुंदर होती है और बहुत ज्यादा चमक रही होती है। महिमा उन 3 ड्रेस को लेकर खुशी से वापस घर आती है और अपनी बेटी को कहती है, श्वेता बेटी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 3 सुंदर और अद्भुत ड्रेस ले आई। ये सुनकर श्वेता बाहर आती है और देखती है 3 ड्रेस पीली, हरी और लाल रंग की होती है। देख बेटा, तेरी 3 ड्रेस का इंतजाम हो गया। अरे वाह माँ, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। इतनी सुंदर ड्रेस तो मेरे दोस्तों के पास भी नहीं होगी। ये ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच माँ, आप दुनिया के बेस्ट माँ हो। बेटी ये ड्रेस तेरे पिताजी ने जादुई नदी के द्वारा तेरे लिए भिजवाया है। अब तू जा और जल्दी से ड्रेस पहनकर तैयार हो जा, वरना तुझे पहुँचने में देरी हो जाएगी। श्वेता 3 दिन सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती है और 3 इवेंट अटेंड करती है। श्वेता की इतनी सुंदर ड्रेस देखकर सभी उसको देखते ही रह जाते हैं और तभी उसकी दोस्त रिया उससे कहती है, अरे ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली? मुझे भी बताओ, मैं भी मंगवा लूंगी। थैंक यू रिया, लेकिन सभी ड्रेस जो तुम लोगों ने मुझे पहने देखा, ये मेरी मम्मी ने ला कर दी है मुझे। सभी ये सारी बातें कर रहे हो और शादी धूमधाम से हो रही होती है, तभी मोनिका कहती है, श्वेता तुम बहुत खुशनसीब हो, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाली माँ मिली। उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस खरीदी है। तुम जानती हो तुम्हारी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है, जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। और मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं हर कपड़ा खुद ही खरीदती हूँ। ना ही मेरे साथ मेरे पिताजी जाते हैं, ना ही मेरी माता जी, क्योंकि दोनों ही अपने बिजनेस में इतने बिजी हैं कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने उनसे जो भी मांगा उन्होंने सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी कमी मेरी जिंदगी में हमेशा से रही है। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि दुनिया की सारी माँ तुम्हारी माँ जैसी होनी चाहिए, जो तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर दो कपड़े सिल सके। मोनिका की बातें सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, जो उसके लिए इतना सब कुछ करती है। और सभी की बातें सुनकर श्वेता को समझ आ जाता है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, क्योंकि उसने अच्छे अच्छे दोस्तों को रोता हुआ देखा है, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उनके माता पिता का प्यार तक नसीब नहीं होता। श्वेता घर जाती है और अपनी माँ को गले से लगाकर कहती है, माँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैंने बहुत बार आपको भला बुरा कहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पिताजी के ना होने के बाद भी आपने मुझे पढ़ाई लिखाई और मेरे हर शौक पूरे किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ हमेशा यूं ही बनी रहे, मेरे भगवान से यही गुजारिश है। श्वेता को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। श्वेता को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, उसकी माँ के लिए इतना ही काफी था। और ऊपर से देख रहा श्वेता का पिता भी बहुत खुश होता है। अब महिमा के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। महिमा को जो भी चाहिए होता वो जादुई नदी के पास जाकर मांग लेती और उसे वो मिल जाता। इसी तरीके से उसकी जिंदगी उसे अच्छी लगने लगती है, वो अपनी जिंदगी में चैन और आराम भी पा लेती है। महिमा जादुई नदी की मदद से अपनी बेटी और अपना खूब ख्याल रखती है और जो भी उसको चाहिए होता वो जादुई नदी से मांगकर पूरा कर लेती और खुशी खुशी रहती। लिलपुट की परियां और सौतेली माँ की कहानी। प्रतिज्ञा अपनी माँ के अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान थी। प्रतिज्ञा की माँ सौतेली माँ थी, जिस वजह से वो प्रतिज्ञा से जरा भी प्रेम नहीं करती थी
और इसी वजह से प्रतिज्ञा की सौतेली माँ शकुंतला प्रतिज्ञा को बहुत परेशान करती थी और वो उससे घर के सारे काम करवाती थी। प्रतिज्ञा को काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु काम करने के बाद भी शकुंतला प्रतिज्ञा को पेट भर खाना नहीं देती थी और तो और पूरा दिन उससे काम करवाती थी। प्रतिज्ञा बहुत सालों से अपनी माँ का अत्याचार सहती जा रही थी, परंतु अब उससे और नहीं सहा जा रहा था। वो अक्सर अपनी माँ की फोटो को देखकर बहुत रोती थी। एक दिन प्रतिज्ञा घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उससे घर का एक जरूरी कागज बाहर कूड़े में चला जाता है। जब शकुंतला की नजर उस पे पड़ती है तो वो प्रतिज्ञा को मारने का बहाना ढूंढ लेती है और वो प्रतिज्ञा से कहती है, अंधी हो गई है क्या महारानी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? कितनी बार कहा है कि झाड़ू लगाकर कूड़े को 10 बार देखा कर, लेकिन नहीं, जैसे तेरी पहली माँ की हरकत थी वैसे ही तू भी करती जा रही है। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? अरे माँ आप क्या बोल रही हो, मैंने तो कूड़ा बहुत ध्यान से देखकर बाहर फेंका था और मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि ये कागज बहुत जरूरी है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अगर तुमने मुझसे अच्छा बुरा कहा तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ गई? शकुंतला ने प्रतिज्ञा को बहुत ज्यादा डांट दिया था और प्रतिज्ञा अपना काम खत्म करके अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। माँ आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों चली गई हो, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। ये सौतेली माँ मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ फिर भी मुझे 2 वक्त का खाना नहीं देती है। ये सब कहते कहते प्रतिज्ञा सो जाती है, क्योंकि प्रतिज्ञा ने कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इस वजह से वो बीमार हो जाती है और उसे बुखार आ जाता है, जिस वजह से वो सुबह देर से उठती है। शकुंतला प्रतिज्ञा से पहले उठ जाती है और वो देखती है कि किचन में पानी के बर्तन खाली पड़े हुए हैं। वो चिल्लाते हुए प्रतिज्ञा को आवाज लगाती है, प्रतिज्ञा कहाँ मर गई है, सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। अच्छा अभी तक महारानी सोकर नहीं उठी है, यहाँ किचन के सारे पानी के बर्तन खाली पड़े हैं, ये कुएं से भरकर कौन लाएगा? अरे माँ मुझे माफ कर दो, मेरी आँख खुलने में जरा देरी हो गई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है, क्या आप मेरे लिए डॉक्टर से दवाई ले आएंगी? मैं सब जानती हूँ, ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं। अभी के अभी सारे बर्तन उठाकर कुएं से पानी भर कर ला, समझ गई? और उसके बाद तुझे खाना भी बनाना है, मेरी सहेली आ रही है। शकुंतला प्रतिज्ञा की एक नहीं सुनती है और वो प्रतिज्ञा को कुएं से पानी भरकर लाने को कहती है। बेचारी प्रतिज्ञा अपनी बीमार हालत में ही बर्तन उठाकर कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है। प्रतिज्ञा अपनी माँ के अत्याचारों से बहुत परेशान थी, 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से उसे चक्कर भी आ रहे थे। प्रतिज्ञा कुएं से पानी निकाल रही थी तभी रस्सी ढीली होने की वजह से प्रतिज्ञा कुएं में गिर जाती है। पानी में गिरने की वजह से प्रतिज्ञा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है। वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। प्रतिज्ञा को कुछ अजीब लग रहा था, प्रतिज्ञा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सारी चीज उसके सामने बहुत ज्यादा छोटी छोटी है। वो इतनी सारी चीजों को बहुत आराम से देख पा रही थी। तभी प्रतिज्ञा थोड़ा आगे बढ़ती है। प्रतिज्ञा अब एक परियों की दुनिया में पहुंच गई थी। जब प्रतिज्ञा अपना एक एक कदम आगे बढ़ाती है तब परियों को धरती हिलती हुई महसूस होती है। अरे ये क्या हो रहा है, ये धरती हिल क्यों रही है, भूकंप तो परिलोक में नहीं आता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। सभी परियां इकट्ठी हो जाती है और वो धरती हिलने की वजह पता करने के लिए आगे जाती है। तभी वो प्रतिज्ञा को देखते हैं जो कद में उन लोगों से बहुत बड़ी थी।
प्रतिज्ञा अपने सामने परियों को देखती है। परियां बहुत छोटी छोटी नजर आ रही थी। ये सब नजारा प्रतिज्ञा ने पहली बार देखा था और उसे ये सब सपना लग रहा था। अरे ये तो कोई मनुष्य लग रही है, ये तो हमसे बहुत बड़ी है, हमें इससे बात करनी चाहिए, ये तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तभी रानी परी अपने महल के छत पर जाकर प्रतिज्ञा से बात करती है। तब प्रतिज्ञा उन्हें बताती है कि किस तरह वो कुएं में गिर गई थी और वो इस दुनिया में आ गई। रानी परी सब समझ गई थी कि प्रतिज्ञा का परिलोक में आना कोई खास मकसद था। काफी समय से परिलोक में बहुत सी परेशानियां चल रही थी। उस परेशानी की वजह थी डायन। वो डायन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से परियां उनका सामना नहीं कर पाती थी। और डायन काका की मृत्यु एक मनुष्य के हाथ ही लिखी हुई थी। रानी परी सब समझ जाती है कि प्रतिज्ञा का उस परिलोक में आना इसी मकसद का पूर्ण होने की संभावना है। प्रतिज्ञा, तुम हमारे परिलोक की एक मेहमान हो, तुम्हारा परिलोक में स्वागत है। मैं तुम्हें बता दूं, ये एक परिलोक नगरी है जहाँ पर सभी परियां रहती है। ये सब तो ठीक है, परंतु तुम सभी परियों का कद इतना छोटा क्यों है? प्रतिज्ञा, हम परियों का कद छोटा नहीं है, बल्कि तुम जिस कुएं से आई हो उस कुएं ने तुम्हारा कद बहुत बड़ा कर दिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, तुम्हें जल्द ही वो वजह पता चल जाएगी। परंतु अभी तुम हमारी मेहमान हो, इसलिए मैंने सभी परियों से कहकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया है जिसमें तुम रह सकती हो। तुम्हारे ये कपड़े भी बहुत खराब हो गए हैं, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे देती हूँ। उसके बाद तुम भोजन खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से प्रतिज्ञा के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस प्रकट कर देती है। प्रतिज्ञा उस ड्रेस को पहन लेती है। उस ड्रेस को पहनकर प्रतिज्ञा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। प्रतिज्ञा अपने घर के अंदर चली जाती है, जो घर सभी परियों ने मिलकर बनाया होता है। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसमें प्रतिज्ञा आराम से आ सकती थी। प्रतिज्ञा घर में बैठकर भोजन करती है। प्रतिज्ञा ने दो दिन से कुछ नहीं खाया था और अब उसके सामने बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन था। प्रतिज्ञा पेट भरकर खाना खा लेती है। पेट भरने के बाद प्रतिज्ञा को नींद आ जाती है और वो वहीं उस घर में सो जाती है। अगले दिन प्रतिज्ञा रानी परी से मिलने जाती है। तभी वो देखती है कि रानी परी बहुत ज्यादा उदास बैठी है। प्रतिज्ञा रानी परी से बात करती है। क्या बात है रानी परी, आप बहुत ज्यादा उदास लग रही हैं और आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? प्रतिज्ञा, तुम अभी यहाँ पर नहीं आई हो, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं कि ये पूरा परिलोक कितना परेशान है। रानी परी प्रतिज्ञा को परिलोक पर हो रहे अत्याचार और डायन काका की सारी बातें बताती है। प्रतिज्ञा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, परंतु उसे वो नहीं पता होता कि प्रतिज्ञा का परिलोक में होना परिलोक को डायन काका से आजाद कराना था। तभी रानी परी उसे बताती है कि प्रतिज्ञा का परिलोक में आना इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिज्ञा ही वो लड़की है जो डायन काका का अंत कर सकती है। रानी परी, अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। मैं जानती हूँ कि किसी का अत्याचार सहना कितना बुरा लगता है। मैं आपको डायन काका से जरूर आजाद कराऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद रानी परी और बाकी परी प्रतिज्ञा को पूरा परिलोक दिखाती है। परिलोक में घूमकर प्रतिज्ञा को बहुत अच्छा लगता है। शाम हो जाती है और डायन काका परिलोक में आ जाती है। डायन काका का कद भी बहुत बड़ा था। डायन काका के कदम जमीन पर पड़ते ही सभी परियां चौकन्नी हो जाती है। रानी परी प्रतिज्ञा को बताती है कि किस तरह डायन काका को खत्म किया जा सकता है। डायन काका के गले में एक मणि की माला होती है, जिस पर वार करने से डायन काका का खात्मा हो सकता था। प्रतिज्ञा सब समझ जाती है। डायन काका अपने सामने प्रतिज्ञा को देखकर कहती है, इन सभी परियों ने अपनी सुरक्षा के लिए तुझे यहाँ पर बुला लिया है, परंतु शायद इन्हें ये नहीं पता कद बड़े होने से कुछ नहीं होता।
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तू चुपचाप से मेरे बीच में मत आ, मुझे बस ये परिलोक चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, ये परिलोक परियों का है, तुम इस तरह उनके परिलोक पर कब्जा नहीं कर सकती हो। तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हें खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मामूली लड़की, लगता है तुझे मुझसे डर नहीं लगता है, मेरा सामना कर तुझे सब पता चल जाएगा। इसके बाद प्रतिज्ञा डाइन का सामना करती है। प्रतिज्ञा और डाइन का मुकाबला बहुत देर तक चलता है। प्रतिज्ञा को पता था कि डाइन के गले में मणि की माला है, उस पर वार करने से डाइन खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा मौके का इंतजार कर रही थी और वो मौका आ जाता है। प्रतिज्ञा डाइन को उलझाकर उसकी माला पर वार कर देती है और वो डाइन वहीं पर खत्म हो जाती है। डाइन के जमीन पर गिरते ही डाइन वहां से गायब हो जाती है और परीलोक अब डाइन काका से आजाद हो जाती है। सभी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो परीलोक में जश्न की तैयारियां करने लगती है। सभी परियां मिलकर प्रतिज्ञा के साथ जश्न करती है। उसके बाद प्रतिज्ञा वापस अपने घर जाने के लिए रानी परी से आज्ञा मांगती है। मुझे यहाँ पर काफी समय हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए, घर पर मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारी मदद की, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। प्रतिज्ञा, हम जानते हैं कि तुम धरती पर किस तरह से अपनी माँ के अत्याचार सह रही हो, परंतु फिर भी तुम्हें अपनी माँ की फिक्र हो रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, पर मैं उनके व्यवहार के बदलने का इंतजार कर रही हूँ। मैं उनके साथ बुरा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे उनके पास वापस जाना होगा। आज नहीं तो कल वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, हम तुम्हारा धरती पर जाने का इंतजाम करते हैं, जब तक तुम घर जाने की तैयारियां कर लो। और हाँ, तुम्हें यहाँ से जो भी अपने साथ ले जाना चाहो तुम ले जा सकती हो। इसके बाद सभी परियां मिलकर प्रतिज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं, उसके ऊपर फूल बरसाते हैं और प्रतिज्ञा को वापस उसके घर भेज देते हैं। प्रतिज्ञा को घर से गायब हुए काफी समय हो गया था, जिस वजह से शकुंतला को घर के काम खुद करने पड़ते थे। शकुंतला समझ गई थी कि प्रतिज्ञा कितनी अच्छी थी और वो शकुंतला का कितना ध्यान रखती थी। शकुंतला प्रतिज्ञा को बहुत ज्यादा याद करती है। तभी वो देखती है कि प्रतिज्ञा वापस आ गई है। शकुंतला प्रतिज्ञा को गले लगा लेती है और उससे माफी भी मांगती है। प्रतिज्ञा समझ जाती है कि उसकी माँ शकुंतला बदल गई है। उसके बाद से अपनी माँ शकुंतला के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है। और प्रतिज्ञा परिलोक से अपने लिए एक जादुई बर्तन लेकर आई थी, जिस बर्तन में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मिलता था। प्रतिज्ञा अपनी माँ को उस बर्तन के बारे में बता देती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी अपने आगे के जीवन में उस बर्तन में खाना बनाते थे और स्वादिष्ट भोजन खाते थे। इस तरह प्रतिज्ञा अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।